अपनी गुलामी को ख़त्म करने के लिए जो गुलामी हम पर थोपी जा रही है आज। साथियों, आज 40 लाख लोग जो आसाम में मूल निवासी हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, और ये आसाम की दिल से निकली हुई आवाज़ है कि वो दिल्ली तक आ पहुँचे हैं 2 दिन के अंदर। साथियों, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार, जो नागरिकता का अधिकार जो हमें दिलाया था, आज वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है और हमें फिर से गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। और ये सिर्फ आसाम तक ही सीमित नहीं रहने वाला, ये दिल्ली में भी होने वाला है बहुत जल्द। इसलिए हम सबको मिलकर के इस गुलामी को ख़त्म करना है। साथियों, 15 अगस्त पर करीब 19 लाख लोगों को NRC के वजह से आसाम से निकाला जा रहा है, उन्हें नोटिस दिया गया है। तो आज ये मामला आसाम में शुरू हो चुका है, लेकिन वो दिन साथियों दूर नहीं है जब हम 85% लोग इस गुलामी को देखेंगे अपनी आंखों से, जो कभी बाबा साहब के समय पर रही थी और उन्होंने अकेले लड़कर हमें इस नागरिकता का अधिकार दिलवाया, जो हमारे मूल निवासी महापुरुष रहे हैं। तो साथियों, क्या हम 85% लोग मिलकर के वो अकेले जब इतना बड़ा आंदोलन हमारे लिए चला सकते हैं, हमें नागरिकता का अधिकार दिला सकते हैं, हमें गुलामी से दूर कर सकते हैं, तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी में जीने देंगे? हमें भी तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से निकालना है ना, तो उसके लिए हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। और आज हमें संविधान में जो अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें जो अधिकार मिला हुआ है अभिव्यक्ति का, उसके अनुसार हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साथियों, हमें अगर दायरे में रहकर हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दायरे से बाहर जाकर भी इस आंदोलन को करेंगे और इसे रुकने नहीं देंगे। जो कारवा बाबा साहब हमारे लिए लेकर के यहाँ तक आए, उस कारवा को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने जो आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को हम चरम सीमा तक लेकर के जाएंगे, और हमारी आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियों को हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ने देंगे। साथियों, माननीय वामन मेश्राम जी जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो करीब इस आंदोलन को 2 लाख गांवों तक फैला चुके हैं, और आज की डेट में सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय लेवल का संगठन बामसेफ बन चुका है। इससे बड़ा कोई अभी तक संगठन नहीं है। तो हम सभी को ये चाहिए कि हम सभी संगठन मिलकर के बामसेफ से जुड़ जाएं और उसको सफल बनाएं। उस आंदोलन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य माननीय वामन मेश्राम जी के लिए नहीं है, वो उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हो सकता है हम भी वो नहीं देख पाए, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अगर उस आज़ादी को महसूस करेंगी जो गुलामी हम पर थोपी जा रही है। आज ना बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा महंगी हो गई है, ना शिक्षा दी जा रही है, ना कॉलेज में एडमिशन है, ना नौकरियां हैं, नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। तो ये क्या है? ये गुलामी तो है, ये गुलामी तो है हमारे लिए, हमारे ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से गुलामी थोपी जा रही है और हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। हम लोग अपने घरों में आराम से बैठे हैं, TV देख रहे हैं, महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर एक एक महिला भी तैयार हो जाए तो करीब 10 महिलाओं को एक महिला आराम से ला सकती है। तो जब RSS के लोग, एक आदमी इतना बड़ा संगठन खड़ा करके सड़क पे पूरा शाखा का जुलूस निकाल देता है 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, तो क्या हमारे 85% लोग नहीं निकाल सकते वो आंदोलन? हमें भी सड़कों पर निकलना होगा और हमें भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सामाजिक जागरण करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने परिवारों को जागरूक करना है, फिर उसके बाद समाज को भी जागरूक करना है। तो इसके लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा। साथियों, हमें घर में बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिल सकती, और बाबा साहब ने भी घर में बैठे बैठे आज़ादी नहीं ली है। उन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया है, तब जा कर के आज हम पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमें स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अच्छी एजुकेशन मिली है, नौकरी मिली है, हम नौकरी करना चाहें तो नौकरी कर सकते हैं कहीं भी जाकर। क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी करें? चाहते हैं ना, यहाँ बैठे सभी लोग चाहते होंगे कि हमारे बच्चे को आसानी से नौकरी मिल जाए। तो इसको आसान बनाने के लिए साथियों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हमारी महिलाओं को मोटिवेशन की ज़रूरत है बस। तो इसके लिए हम लोग मंच पर आए हैं आज और अपनी महिलाओं का मोटिवेशन कर रहे हैं कि वो भी वहाँ जाकर के अपने समाज को जागरूक करेंगी।
और जो हमारा 85% समाज है वो चाहे सड़कों पर उतरना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, वो इस आंदोलन को सफल बनाना ही है, हमें बना के ही रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी, बोल पिचासी, जय मूल निवासी, बोल पिचासी, बोल पिचासी, बोल पिचासी, बोल पिचासी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।